नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सही वाला सोल्यूशन में। मैं फिर से दोबारा एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसे आप क्रेडिट कार्ड से बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो, इससे पहले मैंने कुछ और भी वीडियो बनाए थे जो आप फ्री में क्रेडिट कार्ड से पैसे ऐड कर बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है ना, ये सबसे अलग है। अगर सिंपल तरीके से मैं बताऊँ तो ये सभी एप्लीकेशन का बाप है, इससे आगे कोई एप्लीकेशन नहीं है। क्योंकि इसमें एक खासियत है, लिमिट। बाकी एप्लीकेशन में क्या था, आप पैसे तो ट्रांसफ़र कर सकते थे लेकिन उसकी लिमिट थी। लिमिट मतलब 20,000। अगर आपका KYC अपडेट है अकाउंट में तो आप मैक्सिमम पर मंथ 25,000 ही ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन इसमें जितनी लिमिट है शायद आप यूज़ ना कर पाओ। घबरा जाओगे आप सच में। तो सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए। चलिए हम चलते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना है ई बटुआ। ई बटुआ सर्च करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। कुछ दिन पहले ही इस एप्लीकेशन का आया है, लेकिन मैं इस एप्लीकेशन को लगभग 10 दिन यूज़ करने के बाद जब पैसे मेरे अकाउंट में आ गए लगभग, हाँ मैंने बहुत सारा ट्रांजेक्शन किया है, 1-1.5 लाख रुपये, तभी मैंने सोचा कि वीडियो को बनाता हूँ। जेन्युइन चीज़ है, अच्छी है, बाकी एप्लीकेशन से बहुत बहुत अच्छा है। तो चलिए मैं एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, अगर आप उस लिंक के थ्रू इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको 20 रुपये मिलेंगे और आप वो 20 रुपये रिचार्ज कर सकते हो या फिर आप बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। बाकी आप ऐसे ही रजिस्टर कर सकते हो डायरेक्टली। रजिस्टर करने के लिए आपको जाना है रजिस्टर पे। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिख रहा है, अगर आप अपना मोबाइल नंबर देकर रजिस्टर करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये रजिस्टर सिर्फ ई बटुआ का जो ऑथोराइज एजेंट है वही कर सकते हैं। आपको जाना है अदर बैंक यूज़र पे और आधार कार्ड के थ्रू आपको रजिस्टर करना है। आधार कार्ड मैंडेटरी है, अगर आप आधार कार्ड नहीं दोगे तो आपका अकाउंट KYC अपडेट नहीं होगा और आपको सॉरी वॉलेट टू बैंक ट्रांसफ़र करने का परमिशन नहीं मिलेगा। तो आधार कार्ड डाल देना सिंपली, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। OTP डालने के बाद आप जो मोबाइल से लॉगिन करना चाहते हो वो मोबाइल नंबर दे दो और पासवर्ड देकर अकाउंट क्रिएट कर लो, फिर आप लॉगिन कर लो। इसमें सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से आपने देखा होगा, अगर आपका पेटीएम है, पेज़ैप, मतलब जो भी है ई वॉलेट, आप जितनी बार लॉगिन करते हो, एक बार अगर लॉगिन कर देते हो तो आपको दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस एप्लीकेशन में क्या है, आप जितनी बार एप्लीकेशन को ओपन करोगे उतनी बार आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड देकर लॉगिन करना होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलिए मैं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से थोड़ी वीडियो को पॉज करता हूँ। तो हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन जब कर लोगे आपको कुछ इस तरह का विंडो दिखेगा। सबसे पहले आपको जाना है ऐड मनी में। ऐड मनी जैसे आप कर लोगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर दिखेगा। इससे आपको कंफ्यूज मत होना, ये जो अकाउंट नंबर है ये ई बटुआ का है और एक्सिस बैंक से है। एक्सिस बैंक का ई बटुआ का अकाउंट है, ये आपका ही है। इसमें अगर आप पैसे रखोगे आपको 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ आपको सिर्फ पैसे ऐड करना है तो आपको जाना है अदर बैंक अकाउंट में। यहाँ पे आप पैसे दे देना जितना मर्ज़ी आप दे सकते हो। 1 रुपये से लेकर आप 20,000 तक ऐड कर सकते हो सिंगल ट्रांजैक्शन पे। आपकी डेली लिमिट 1 लाख रुपये हो गई, तो आप 20,000 20,000 करके 5 बार में 1 लाख रुपये ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ऐड नहीं कर पाऊँगा अभी, क्योंकि मैंने आज ऐड किया था। अब देख सकते हो एरर मैसेज यहाँ पे आ रहा है, पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट एक्सिस्ट। तो ये मेरी लिमिट, आज की जो लिमिट है वो ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग ऐड कर लेना। और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI एंड पेयू मनी से आप पैसे ऐड कर सकते हो। अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले हो रहा था, लगभग 5-6 दिन पहले, क्रेडिट कार्ड से। अभी नहीं हो रहा, RBI ने कुछ अपडेट किया है क्रेडिट कार्ड के लिए, क्योंकि कुछ बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड से अपने वॉलेट में पैसे डालते हैं और वॉलेट से बैंक में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, इसलिए RBI ने कुछ रूल्स निकाले हैं, उसी वजह से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हो रहा। लेकिन मैंने कस्टमर केयर से बात किया था, वो उन्होंने बताया कि बहुत साल होता हो सकता है कि 7 दिन या 10 दिन के अंदर क्रेडिट कार्ड से दोबारा पैसे ऐड होंगे। तो सिंपली अगर आपके पास क्रेडिट डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से ऐड तो करोगे नहीं यार, क्योंकि डेबिट कार्ड से ऐड क्यों करूँगा फिर मैं, क्रेडिट कार्ड से करना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के जो पैसे हैं वो जो उसको मुझे घुमाना है, हो सकता है किसी पेमेंट करने के लिए हो या हो सकता है आपका सिविल जनरेट करने के लिए। तो
इसका एक सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप पे यू मनी का अकाउंट बनाओ। पे यू मनी का मैं आपको एप्लीकेशन, ये पे यू मनी है, इस पे आप रजिस्टर करो, क्रेडिट कार्ड से पे यू मनी पे पैसे ऐड करो और यहाँ वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र करो। यहाँ पे आप ऑप्शन मिल जाते हैं आपको पे यू मनी का। जब आपको पैसे ऐड हो जाएंगे तो आपको जाना है सेंड मनी पे। सेंड मनी यहाँ पे आप जाना है ट्रांसफ़र टू अदर बैंक, अपना बैंक डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेना, और जैसे आप क्लिक करोगे आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है, अमाउंट डालना है और रिमार्क्स डालना है। कुछ यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको माइंड में हमेशा रखना है। अगर आप NEFT के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो 1 रुपये से लेकर 25,000 तक सिंगल ट्रांजैक्शन पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। IMPS में 1 रुपये से लेकर 20,000 तक, लेकिन NEFT फ्री होगा। NEFT का जो ट्रांसफ़र है वो फ्री है और आपके अकाउंट में 1 से 2 घंटे में क्रेडिट हो जाता है। ऐसे इनका जो टाइम है 24 घंटा है, 24 से 48 घंटे, लेकिन 24 48 घंटे नहीं लगते, मैंने क्योंकि मैंने भी किया है, 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही आपके अकाउंट में आ जाता है। IMPS में क्या है, ये जब भी आप करोगे उसी 1 सेकंड के अंदर आ तो जाएगा, लेकिन आपको पर ट्रांजेक्शन पे 20 रुपये चार्ज देना है। चाहे आप 100 रुपये का ट्रांसफ़र करो या फिर 20,000 रुपये का, पर ट्रांजेक्शन पे 20 रुपये। तो IMPS से मत करना, NEFT बेस्ट है। रिमैक्स डाल देना ताकि आप आसानी से पहचान सको कि हाँ मैंने ट्रांजेक्शन किया था और वही अमाउंट आया है उसी अकाउंट से, OTP जो आपके मोबाइल पे आएगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, मैंने बता दिया। आपकी जो लिमिट है पर डे की 1 लाख और मंथली की लिमिट जो है वो है 30 लाख रुपए। जी शायद आपने भी नहीं सुना होगा कि किसी भी वॉलेट में 30 लाख रुपए की लिमिट मिलती है, और 30 से 30 लाख रुपए हम बैंक में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं बिना किसी चार्ज से। ऐसा मैंने एप्लीकेशन तो दिया देखा नहीं, जब से मैंने इसको डाउनलोड किया है सभी पेटीएम, फ्रीचार्ज, मोबीक्विक, पेज़ैप सारे एप्लीकेशन को मैंने रिमूव मार दिया। जब इसी में मुझे 30 लाख रुपये लिमिट मिल रहा है तो मैं इतने सारे एप्लीकेशन अपने फ़ोन में क्यों रखूं? बस, और शायद और कुछ बताने का नहीं है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, या फिर इनका जो टोल फ्री नंबर है कस्टमर केयर का, कस्टमर केयर से आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत 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 पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू सो मच।